तो ये है दोस्तों इन्फिनिक्स S5 Pro का बॉक्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं पॉपअप कैमरा बना हुआ है और यहाँ पे आपको DTS साउंड जो है दोस्तों देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे DTS साउंड भी बना हुआ है। ये जो फ़ोन है दोस्तों हमारे पास 4GB रैम 64GB स्टोरेज के साथ है और ये जो फ़ोन है हमारे पास फॉरेस्ट ग्रीन कलर में है। इसके अलावा एक और कलर भी आपको देखने को मिल जाता है और वो भी कलर काफ़ी प्यारा लगता है। तो चलिए अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं बॉक्स में हमें क्या कुछ देखने को मिलता है। तो यहाँ से मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। तो ये हो गया हमारा बॉक्स ओपन। बॉक्स को ओपन करते ही आपको एक फ़ोन मिलता है जहाँ पे इन्फिनिक्स S5 Pro लिखा हुआ है, स्टिकर लगा हुआ है, पॉपअप कैमरा 4GB रैम 64GB स्टोरेज है, 16MP का पॉपअप AI सेल्फी कैमरा मिलता है और यहाँ पे 48MP का AI ट्रिपल कैमरा मिलता है, 6.53 इंच की फुल HD प्लस फुल व्यू डिस्प्ले मिलती है और यहाँ पे आपको लेटेस्ट XOS 6.0 का सपोर्ट मिलता है एंड्रॉयड 10 के साथ में। तो यहाँ पे कुछ स्टिकर लगे हुए हैं, मैं इसको हटा लेता हूँ पहले। तो ये मैंने यहाँ से हटा लिया और ये भी मैं यहाँ से हटा लेता हूँ। तो देख सकते हैं फ़ोन जो है काफ़ी प्यारा लग रहा है। हम इसको ऑन कर लेते हैं और जब तक ये ऑन होता है दोस्तों तब तक हम जो है देख लेते हैं कि बाकी बॉक्स में हमें क्या कुछ मिलता है। और तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक चार्जिंग एडेप्टर है दोस्तों जिसमें आपको 5V 2A का सपोर्ट मिलता है, यानी 10W का ये चार्जर है। और ये जो है केबल मिल जाता है आपको एक यहाँ पे जो कि माइक्रो USB को सपोर्ट करता है। उसके अलावा यहाँ पे यूज़र मैनुअल गाइड है और यहाँ पे आपको एक अच्छा सा सिलिकॉन कवर भी देखने को मिल जाता है और साथ में आपको स्क्रीन गार्ड भी देखने को मिल जाता है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ लगी मुझे कि आपको जो है स्क्रीन गार्ड भी दे रहे हैं और साथ में एक सिलिकॉन कवर भी दे रहे हैं जिसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी लग रही है। और यहाँ पे दोस्तों आपको एक सिम इजेक्टेड टूल भी देखने को मिल जाता है। तो ये हो चुका है हमारा फ़ोन ऑन दोस्तों। देखिए कितना प्यारा डिस्प्ले लग रहा है आपको, जो है बहुत ही कम बेजल्स देखने को मिल रहे हैं, देख सकते हैं आप। और पीछे अगर मैं आपको दिखाऊं तो देख सकते हैं इसका जो डिज़ाइन है बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है और ख़ास करके ग्रीन कलर अगर आप लेते हैं दोस्तों तो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। और ये किसी भी तरह से एक प्रीमियम फ़ोन से कम नहीं लगता है। और यहाँ पे जो है आपको पॉपअप सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है जो इस फ़ोन की सबसे मेन हाईलाइट है। तो S5 Pro में आपको 6.53 इंच की इमर्सिव फुल HD प्लस डिस्प्ले देखने को मिलती है जिसमें 19:5:9 का एस्पेक्ट रेशियो मिल जाता है और काफ़ी नैरो बेजल्स है। आपको यहाँ पे ऑलमोस्ट 91% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो देखने को मिलता है। इसमें वीडियो व्यूइंग एक्सपीरियंस जो है वो काफ़ी अच्छा रहने वाला है आपके लिए, जिसमें आपको 400 nits की ब्राइटनेस मिलती है, 403 PPI डेंसिटी मिलती है और 1500:1 का कॉन्ट्रास्ट रेशियो मिल जाता है। फ़ोन में 16MP का AI सेल्फी कैमरा दिया गया है जिसका एपर्चर f2.0 है और साथ में आपको स्क्रीन फ्लैश का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। फ्रंट कैमरा में बहुत सारे ऑप्शन हैं लाइक AR, एनिमोजी, 3D फेस ब्यूटी, वाइड सेल्फी और भी बहुत सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। पॉपअप कैमरा ड्रॉप प्रोटेक्शन के साथ आता है, बाई चांस अगर आपके हाथ से फ़ोन कभी गिर जाता है और पॉपअप कैमरा ऑन है तो ये ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। पॉपअप कैमरा की ड्यूरेबिलिटी को लेकर आपके मन में अगर डाउट है तो मैं आपको बता दूं, अगर आप डेली 50 बार पॉपअप कैमरा को ऑन ऑफ करते हैं फिर भी ये 8 साल तक इजीली आपका चल जाएगा, तो टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। अगर रियर कैमरा की बात की जाए तो इस फोन में 48MP का आपको ट्रिपल रियर कैमरा मिलता है जिसमें मेन सेंसर 48MP का है, 2MP का डेप्थ सेंसर है और तीसरा लो लाइट सेंसर है। अब ये कुछ फोटोज आप देख सकते हैं जो काफी डिसेंट लग रहे हैं और क्वालिटी भी बहुत अच्छी निकल के आई है। प्राइस के हिसाब से अगर आप कैमरा देखते हैं तो मुझे काफी पसंद आया इसका कैमरा। अब अगर बात करते हैं डिजाइन के बारे में तो यहां पे दोस्तों आपको 3D ग्लास फ्रेंच डिजाइन देखने को मिल जाता है और फ्रंट में आपको 2.5D ग्लास मिल जाता है जो इस फोन की खूबसूरती को और भी बढ़ा देता है और इस फोन को एक प्रीमियम फोन के जैसा बना देता है। बैटरी लाइफ की बात करें तो इस फोन में 4000mAh की बैटरी है। मैं पिछले कुछ दिनों से इस फोन को यूज कर रहा हूं और बैटरी बैकअप दोस्तों सीरियसली बहुत अच्छी है इस फोन की। इजिली आपका 1 चार्ज पे अगर आप
खूब अच्छा से यूज भी करते हैं तो आपका एक दिन से लेकर डेढ़ दिन तक इजिली चल जाना चाहिए। परफॉर्मेंस की बात की जाए तो ये फोन मीडियाटेक हीलियो P35 ऑक्टाकोर प्रोसेसर के साथ आता है, जिसमें आपको 4GB की LPDDR4 रैम देखने को मिल जाती है और 64GB की स्टोरेज देखने को मिल जाती है, और साथ में आपको ट्रिपल कार्ड स्लॉट मिलता है, यानी दो सिम के साथ साथ आप एक्स्ट्रा मेमोरी कार्ड भी लगा सकते हैं इस फोन में। इस फोन की एक अच्छी बात यह भी है कि इसमें आपको DTS HD साउंड का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जो आपको प्रीमियम सिनेमैटिक साउंड एक्सपीरियंस देगा। फोन में आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिल जाता है, फेस अनलॉक देखने को मिल जाता है, और दोनों ही दोस्तों काफी तेजी से अनलॉक करते हैं आपके फोन को। फोन लेटेस्ट XOS 6 पे रन करता है एंड्रॉयड 10 के साथ। इसके अलावा फ़ोन में आपको डार्क मोड, साइलेंट स्क्रीन रिकॉर्डिंग, उसके अलावा व्हाट्सएप कॉल रिकॉर्डिंग, वाईफाई शेयर, डिजिटल वेलबिंग, गेम मोड और भी बहुत सारे फीचर्स मिल जाते हैं, और इसको लेके दोस्तों मैं एक अलग से वीडियो आपको ज़रूर से बना के दे दूंगा। तो यही कुछ मिलता है आपको दोस्तों इन्फिनिक्स S5 Pro में। दोस्तों ये इंडिया का सबसे चीपेस्ट फोन है, जहां पे आपको पॉपअप कैमरा के साथ साथ इतने सारे फीचर्स दिए जा रहे हैं इन्फिनिक्स की तरफ से। मुझे पर्सनली अगर मैं बताऊं दोस्तों तो ये फोन काफ़ी अच्छा लगा, खास करके इसका जो डिज़ाइन है, पॉपअप कैमरा है, बैटरी लाइफ है, साउंड क्वालिटी है, ये सारी चीज़ें मुझे पर्सनली बहुत पसंद आई। और अगर आप भी ये फ़ोन लेते हैं तो आप बिल्कुल भी निराश नहीं होंगे, ये फ़ोन आपको फ्लिपकार्ट मिल जाएगा, तो आप जाके इस फोन को फ्लिपकार्ट से परचेस कर सकते हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें, चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। मैं मिलता हूं आने वाले अगले वीडियो में, तब तक के लिए एंजॉय करें।